आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लौकी की एक ऐसी रेसिपी जो काफी टेस्टी है और बनाना बिल्कुल आसान है। अगर आप एक ही टाइप का लौकी का सब्जी खा खा के बोर हो गए हैं तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं अंजलि, कुक एंड ब्लॉग विद अंजलि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्ट एंड टेस्टी लौकी का कोफ्ता बनाने के लिए पहले हमने लिया है लौकी। लौकी बिल्कुल हमारा फ्रेश है, बिल्कुल हम बीज वाला लौकी नहीं लेंगे। लौकी हमारा जितना फ्रेश रहेगा कोफ्ता हमारा उतना ही सॉफ्ट और काफ़ी टेस्टी बन जाएगा। लौकी आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, वैसे थोड़ा भी लौकी में बहुत सारे कोफ्ते तैयार हो जाते हैं। इसके अच्छे से हम पिल्स को निकाल देंगे। पिल्स को निकालने के बाद इसके नीचे के हिस्से को भी हम अच्छे से कट कर लेंगे ताकि इसे ग्रेट करने में बिल्कुल ही ईजी हो। इसे घिसने वाले मशीन में यानी ग्रेटर मशीन में बिल्कुल अच्छे से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। इसके बाद इसके सारे ही वाटर को हम बिल्कुल अच्छे से निचोड़ के निकाल देंगे। इसके जो वाटर निकलेंगे, इसके जो पानी निकलेंगे, उसे हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, उसको हम सब्जी बनाने में यूज करेंगे, क्योंकि सारे विटामिन इसके पानी में ही हैं। बिल्कुल अच्छे से निचोड़ने के बाद ये हमारा तैयार हो गया। इसमें हम कोरिएंडर लीव्स ले लेंगे और अच्छे टेस्ट के लिए इसमें हम थोड़ा सा अनियन भी यूज करेंगे, क्योंकि कोफ्ता जस्ट लाइक पकौड़े जैसा ही होता है। इसमें हम मिर्ची भी ऐड कर लें, थोड़ा सा गार्लिक और अदरक का पेस्ट लेंगे और इसमें हम लेंगे बेसन। बेसन हम 2 से 3 चम्मच लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा बेसन कर सकते हैं, थिकनेस कितना है इसका। इसके बाद 1 चम्मच इसमें हम राइस फ्लोर लेंगे यानी चावल का आटा, आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। इसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा इसमें रेड काश्मीरी मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और बिल्कुल अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे इसका घोल जो है वो थोड़ा कड़क ही हम लगाएंगे ताकि अच्छे से बॉल तैयार हो जाए। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि एक एक चीज का टेस्ट कोफ्ते में बहुत अच्छे से आ जाए, और इसका एक एक करके हम बॉल तैयार कर लेंगे। बॉल तैयार करने के बाद हम कढ़ाई बैठाएंगे। कढ़ाई में लेंगे ऑयल, आप रिफाइन या फिर मस्टर्ड कोई भी ऑयल ले सकते हैं, पर पकौड़े तलने के लिए हमने रिफाइन ऑयल लिया है। और एक एक करके बॉल इसमें ऐड कर देंगे और गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम लो कर देंगे ताकि ये जो हमारा बॉल है ये कोफ्ते का वो बिल्कुल अच्छे से अंदर से भी पक जाए। नहीं तो अगर गैस का फ्लेम तेज रहेगा ऊपर से तो कोफ्ता हमारा डार्क ब्राउन हो जाएगा पर अंदर से बिल्कुल कच्चा ही रह जाएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट हम दोनों तरफ से पलटते हुए इसे हम तल के निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम सारा ही कोफ्ते को तैयार करके निकाल लेंगे। आप चाहे तो कोफ्ते को ऐसे भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, ये काफ़ी टेस्टी लगता है, पर इसके हम ग्रेवी में डाल के कोफ्ते तैयार करने वाले हैं। तो हमने ऑयल में थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। जीरा अच्छे से चटक जाए तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग गरम मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं, अखा वाला। इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने के बाद बिल्कुल अच्छे से इसे भूज लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे बेसन, क्योंकि बेसन ही हमारी ग्रेवी को थिक करेगा, इसलिए हमने इसमें 1 स्पून बेसन लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ हमें ग्रेवी का थोड़ा थिकनेस चाहिए। इसमें 1 टमाटर पिसा हुआ हम ऐड कर देंगे और बिल्कुल अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़े मसाले में हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर, रेड काश्मीरी मिर्च, अच्छे कलर आने के लिए थोड़ा गरम मसाला, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ध्यान रहे गैस के फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे और इसमें हम स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे ताकि इजली कुक हो जाएगा। इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे, क्योंकि इसमें बेसन भी ऐड है और बेसन थोड़ा कुक होने में टाइम लगता है। मसाला हमारा पूरी तरह से भूज के हो गया है रेडी, ये पूरी तरह से ऑयल छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें हम 2 कटी हुई मिर्च ऐड कर दिए और इसमें ऐड करने के बाद जो हमने लौकी का जूस निचोड़ के रखा था वो इसमें अब ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, पर कोफ्ते की थिक ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है इसलिए वाटर आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद वाटर ऐड करने के बाद बिल्कुल अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हल्का कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे। कोरिएंडर लीव्स ऐड करने के बाद लीड चढ़ा के इसे हम 10 मिनट तक के लिए ढक देंगे ताकि मसाला इजली कुक हो जाए। फ्रेंड्स, कभी सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप इसे ट्राई करिएगा, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आपके घर वाले को भी ये बहुत पसंद आएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी कोफ्ते की रेसिपी कैसी लगी।
इसके बाद कोफ्ते को हम ऐड कर देंगे और 5 मिनट तक इसे गैस पे रखेंगे। उसके बाद गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसमें हम कस्तूरी मेथी छिड़क देंगे, क्योंकि कस्तूरी मेथी का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। और 10 मिनट तक के इसे हम ढक के छोड़ देंगे ताकि फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से कोफ्ते में आ जाए। और इसके बाद हम इसे सर्व कर देंगे। ये रोटी हो या राइस, किसी के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, जब तक आप कोफ्ते एंजॉय करिए, तब तक मैं चलती हूँ, कुछ नया और बिल्कुल अलग वीडियो आपके लिए लेके आती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक एंड ब्लॉग विद अंजलि।